हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात पीपर पोर्ट लिमिटेड, जिसका सिंबल है GPPL। इस स्टॉक में अगर आज के दिन की बात करें तो इस स्टॉक में लगभग 8.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे नीचे लेवल से इस स्टॉक में बड़ी खरीदारी नजर आई। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इस स्टॉक में निचले लेवल से एक बड़ा जंप देखने को मिलाएगा और इस स्टॉक में लगभग 2% बच गया, वरना ये स्टॉक अपर सर्किट लगने वाला था। और अगर हम इस स्टॉक में अगर टॉप गेनर में बात करें आज के दिन, तो ये स्टॉक टॉप गेनर में से एक स्टॉक बना, जहाँ पे इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई है। हम एक चार्ट के द्वारा ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसका प्राइस एक्शन जो हैगा यहाँ से इस स्टॉक में कितनी बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि इस लेवल के बाद में बिकवाली देखने को मिलेगी। ये दोनों बातें हम चार्ट के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आपको चार्ट पे ले चलें, तो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा हैगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगातार आज तीसरा दिन है जहां पे इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें तो इसमें एक मूविंग डोजी स्टार, जो कि आप बुलिश रिवर्सल इस स्टॉक में कैंडल बनती हुई नजर आएगी आपको, जो कि ये 26 दिसंबर को इस स्टॉक में बनी थी। और वहां से अगर आज की हम बात करें तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। जिस तरह इस स्टॉक का जो ट्रेंड आएगा वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, कि आप जैसा कि देख सकते हैं इस स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल के बाद में बड़ी खरीदारी नजर आई। अगर मार्केट में जिस तरह की हमने देखा कि पीछे हफ्ते में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो वहां पे इसे स्टॉक ने एक सपोर्ट के बाद में एक रिवर्सल बनाया और काफी बड़ी तेजी दिखाई। क्योंकि जिस तरह के आप देख सकते हैं इसमें जो चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है इस स्टॉक में। अगर यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में यहाँ से एक तेजी देखने को मिली, और अगर इसे यहाँ से एक सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में यहाँ से एक तेजी देखने को मिली है। और आज के दिन इस स्टॉक में नीचे लेवल से बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई और ये स्टॉक आपको 120 तक जाने की संभावना रख रहा है। क्योंकि जिस तरह की इस स्टॉक में आप पीछे के टारगेट देख सकते हैं कि मार्केट में इसका पीछे के जो टारगेट थे वो काफी बड़े टारगेट बनते हुए नजर आए थे। तो अगर ये ऐसा सेम ही स्टॉक में रहा तो अराउंड ये आपको स्टॉक जो हैगा 120 रुपये तक का टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और आने वाले समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस अराउंड 105 रुपये के आसपास रखना चाहिए, और इसमें 120 और 130 तक के टारगेट 1 से 2 हफ्ते में ये आने के चांसेस हैं इस स्टॉक में। और एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो ज़्यादा गिरावट में आप एग्जिट कर लें। और जिस तरह की इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें एक बड़ी तेजी दिखाने के संकेत मिल रहे हैं, तो आपको इस स्टॉक में एक लॉन्ग टाइम नज़रिया रखने